तो गाइस इस वीडियो में हम ऐश के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रास टाइप पोकेमोन को देखेंगे कि कौन है ऐश के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रास टाइप पोकेमोन। ऐश ने बहुत सारे ग्रास टाइप पोकेमोन को पकड़ा है और उन्हें ट्रेन किया है, पर इस वीडियो में हम ऐश के टॉप 3 ग्रास टाइप पोकेमोन को देखेंगे। ये केवल मेरा ओपिनियन है तो इसलिए कोई कमेंट में गाली लिख के नहीं जाएगा, ठीक है भाई। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो भाई नंबर 3 पे जो पोकेमोन आता है वो है भाई बेलीव। बेलीव को ऐश ने चिकोरिटा की फॉर्म में पकड़ा था और ये भाई सही में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन था। इसने ऐश को बहुत सारे बैटल्स जिताए थे। ऐश के स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रास टाइप पोकेमोन की बात और इसमें भाई बल्बासोर का नाम ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। इसने नंबर 2 पे मैंने रखा है भाई बल्बासोर। बल्बासोर को ऐश ने भाई अपने कैंटो रीजन में पकड़ा था और ये ऐश का पहला ग्रास टाइप पोकेमोन था जिसे उसने पकड़ा था और ये सही में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन। और इसके पास भाई मेगा इवोल्यूशन भी है, अगर ये विकसित हो जाए तो ये मेगा इवोल्यूशन को भी ले सकता। नंबर 1 पे जो पोकेमोन आता है भाई उसको तो सभी जानते हैं, वो है सेप्टाइल। भाई सेप्टाइल को ऐश ने ट्रिको की फॉर्म में पकड़ा था और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन था। इसने शुरुआत से ही ऐश को बहुत सारे बैटल जिताए, पर सेप्टाइल में इवॉल्व होने के बाद तो भाई इस पोकेमोन का लेवल ही अलग हो गया है।